हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनसीईआरटी सेशन ए के साइंस के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे फीटर, इलेक्ट्रिशियन और बहुत सारे पोस्ट के लिए है। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विद्युत ऊर्जा का इकाई क्या है। तो विद्युत ऊर्जा का इकाई क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किलोवाट घंटा इसकी इकाई है। बाकी को जो ऑप्शन है उसे उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो बाकी ये जूल है, जो जूल है वो कार्य तथा ऊर्जा दोनों का इकाई होता है, और न्यूटन पर मीटर जो होता है वो किसका होता है, वो होता है पृष्ठ तनाव का। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो जो लैक्टिक एसिड होता है, तो इसका तो पहले राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दूध में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। अब बाकी कुछ कुछ ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। जो ए है यानी कि सिरका जो है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो इसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है सिरका में। और ये जो टमाटर होता है इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो इसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। और जो पेट होता है पेट में क्या पाया जाता है, पेट में HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, मोनाजाइट खनिज है। तो मोनाजाइट जो है किसका खनिज है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थोरियम का। और यूरेनियम का क्या है, तो यूरेनियम का है पिच ब्लेड। और लोहा, लोहा का क्या है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सिडेराइट है। और पोटेशियम का क्या है, तो कार्नेलाइट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल संयोग है किसका। तो जो पीतल है तो इसका एक ट्रिक है पिताजी, इसका एक ट्रिक है पिताजी, यानी पीतल जो है तांबा और जिंक से मिलकर बना हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताजी मतलब पिताजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव, कौन सा कायांत्रिक सेल है उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संगमरमर, यानी कि मार्बल जो है वो कायांत्रिक सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स, वायु में नाइट्रोजन की मात्रा प्रतिशत है, मतलब कि नाइट्रोजन कितना परसेंट है वायु में उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 78% जो है वो नाइट्रोजन है। और जो ऑक्सीजन है वो कितना है, तो ऑक्सीजन जो है वो है 21% ऑक्सीजन है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो है 0.03% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन, विटामिन ई की कमी से होता है। तो विटामिन ई की कमी से क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जनन क्षमता की कमी। बाकी सब जितने भी सारे ऑप्शन है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो बेरी बेरी जो रोग होता है वो होता है विटामिन B1 के कारण कमी से। नेक्स्ट है रिकेट्स, जो रिकेट्स होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट है गलगंड, जो गलगंड होता है वो आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से गलगंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। बाकी सारे ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं। 14 नवंबर, जो 14 नवंबर है वो क्या है, तो बाल दिवस उस दिन मनाते हैं। और जो 22 अप्रैल है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। और 12 अगस्त को क्या मनाते हैं, तो 12 अगस्त को मनाते हैं विश्व युवा दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, लाल रक्त कोशिका कहाँ नष्ट हो जाती है। तो जो लाल रक्त यानी कि जो RBC है कहाँ नष्ट हो जाती है, तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लीहा में
नष्ट हो जाती है। प्लीहा को क्या बोलते हैं? स्प्लीन भी बोलते हैं प्लीहा को, स्प्लीन भी बोलते हैं प्लीहा को। और ये जो आरबीसी बनती कहाँ पे, निर्माण इसका कहाँ पे होता है? तो इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा रक्त समूह सर्विक प्राप्त करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी। जो ए बी है वो यूनिवर्सल रिसेप्टर है, और जो ओ होता है वो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं, टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।